तो ये गाइस कैसे हैं आप लोग, और आप देख रहे हैं नई राइडर 007 का यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से बात करने वाली है एक नई बाइक जो कि होने वाली है बजाज पल्सर 250F, जो कि न्यू लॉन्च होने वाली थी मार्केट में। अभी तक उसका कोई लॉन्चिंग डेट अभी रिवील नहीं किया गया है, जल्दी ये बाइक नई लॉन्च हो सकती है मार्केट में। तो ये बाइक अपनी 220F की जैसी ही थोड़ा बहुत रहने वाली है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं। तो सबसे पहले इसकी चेंजेस की बात करें तो इसका फ्रंट लुक कुछ ज्यादा हैवी कर दिया गया है पुरानी वाली 220F से। फ्रंट का जो वाइजर होता है उसे भी थोड़ा सा बड़ा दिया गया है। वहीं इसकी अगर बैक साइड की बात करें तो बैक में भी आपको थोड़े बहुत चेंजेस मिलने, थोड़ा सा अप कर दिया गया है बैक साइड की सीट को, और इसमें जो एग्जॉस्ट सिस्टम है उसे भी थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। एग्जॉस्ट साउंड आपको इसमें ज्यादा ही बेस और थोड़ा सा लाउड लग सकती है। तो ओवरऑल बाइक बहुत ज्यादा अच्छी लगने वाली है, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा बल्की कर दी गई है। 220 जो थी वो थोड़ा सा कम बल्की लगती थी, क्योंकि वो ओपन कैटेगरी की थी। ये भी नेकेड बाइक रहने वाली है, बट थोड़ा सा ज्यादा बल्की लगने वाली है। कलर ऑप्शन की बात कर ले तो आपको इसमें रेड, ब्लू और ब्लैक इसमें एक्सपेक्टेड है कि आपको मिल सकता है। डुअल चैनल आपको इसमें ABS भी मिल सकता है। वहीं से कंपटीशन की बात करें तो आपकी ये सुजुकी विक्सर 250 का KTM ड्यूक 250 या महा FZ25 से सीधा से कंपैरिजन रहेगा। माइलेज एंड टॉप स्पीड की बात करें तो आपको ये माइलेज दे देती है 35 KMPL का। वहीं इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो 140 रहने वाली है। 250cc का आपको इंजन मिल जाता है, जो कि रहने वाला आपका लिक्विड कूल्ड FI इंजन रहने वाला है। 24 HP इसकी मैक्स पावर बताई जा रही है, और अभी टॉर्क के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। BSX कंप्लाइंट इंजन रहने वाला है। 6-speed मैनुअल गियर ट्रांसमिशन रहने वाले हैं। क्लच आपको मिल जाता है स्लीपर क्लच। वहीं इसमें अगर हम फ्रंट ब्रेक की बात करें तो 300mm का आपको सिंगल डिस्क मिलने वाला है फ्रंट में, और रियर में आपको मिलने वाला है 230mm का सिंगल डिस्क। वहीं आपको फ्रंट टायर साइज मिलने वाला है 100x80 का, और रियर मिलने वाला आपको 130x70 का, जो कि आपको मिल जाता है 17 inches अलॉयज के साथ। ट्यूबलेस इसके टायर रहने वाले, व्हील टाइप आपका अलॉयज रहने वाला है। वहीं इस बाइक के सस्पेंशन चेसिस की बात कर ले तो आपको टेलीस्कोपिक फोक्स मिल सकता है फ्रंट में, और रियर में आपको मिल जाता है एडजस्टेबल मोनोशॉक। फ्रेम टाइप आपका पेरीमीटर फ्रेम रहने वाला है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात कर ले तो आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर और क्लॉक आपके फुल डिजिटल रहने वाली है। ओवरऑल इसका पूरा कंसोल डिजिटल ही रहने वाला है। यही आपको गियर इंडिकेशन भी मिल जाता है, फ्यूल इंडिकेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर और गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। हेडलाइट आपकी फुल LED विद ऑटो हेडलाइट ऑन रहने वाली है। वहीं आपके टेल लाइट, टर्न इंडिकेटर LED रहने वाला है। कंफर्ट फीचर की बात करते हैं आपको पिलियन ग्रेवल मिल जाती है, पिलियन फुटरेस्ट, इलेक्ट्रिक स्टार्ट, इंजन के स्विच मिल जाता है, स्टेप अप सीट मिल जाती है और स्टैंडर्ड अलार्म भी मिल जाता है। क्या रिस्पॉन्स रहता है इस बाइक का मार्केट में देखने लायक रहेगा, और ये बाइक जल्दी ही लॉन्च हो सकती है 2022 से पहले। और यही इस बाइक का अगर हम एक्सपेक्टेड प्राइस की बात कर ले तो आपको 150,000 के अप्रोक्स शोरूम प्राइस पड़ सकती है। तो ये बाइक आपको कैसे लगती है, इस बाइक के बारे में आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को अगर नए आए हैं। तो मैं मिलता हूं आपसे ऐसी अदर वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।